समय पर सब चीजें करनी है, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब हम ये करते हैं तो हम भगवता को, भगवान को पा लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाते हैं और इस जन्म के आगे फिर हमारी वो सफलता होती है, नेक्स्ट इवोल्यूशन हो जाता है कि हम भगवता को पाकर इस संसार से अपने गॉड होम घर चले जाते हैं, जिसको पार ब्रह्म सचखंड कहा। तो ये आपके ऊपर है कि अभी जो है आप अपने जीवन को कैसा चला रहे हैं। अभी से अपने जीवन को सही आप सींचेंगे, अभी से अपने जीवन को आप रिलैक्स में लेकर जाओगे, समय पर सब करोगे, मोबाइल का स्पेस रखोगे, टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ पढ़ाई का कौन सा समय है, तो फिर आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। फैक्ट्री प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑल टीचर्स एंड फैकल्टी, प्यारे बच्चों, अभी गाना सुना कितनी क्लैप हुआ, क्योंकि अच्छा लगता है जब हमारे चॉइस का कोई सब्जेक्ट होता है। हम सुनते आए हैं ना सॉन्ग्स, कभी मूवीज देखते हैं सारा दिन, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, फिर क्लास में आते हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो कभी किसी सब्जेक्ट के अंदर बोरिंग लगता है, कभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, चैप्टर आते हैं ना अलग अलग। ऐसे ही जीवन में एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, यानी अपने को जानना। एक हमें बाहर जो टीचर पढ़ाई में बताते हैं अबाउट आवर दिस बॉडी, शरीर के बारे में हमें मालूम है ना कि ये आईज है, नोज है, माउथ है, ये पूरी बॉडी का जो हमारे को स्ट्रक्चर मालूम है, फिर हम स्कूल की पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। परंतु एक है जो हमारे को जीवन के बारे में है कि हमारा जो ये जन्म हुआ है इस संसार में, ये क्यों हुआ है। माँ बाप हमारे जो हुए हैं वो हमारे को आज स्कूल में भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये सब क्या है खेल। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कोई मकसद है ना। हम स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, कोई मकसद है पढ़ने का कि हम अच्छे मैनर्स, देखो लिखा है ना कि गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स, मैनर्स मेक्स द मैन, मैनर्स अच्छा हम व्यवहार करेंगे, कैसे हम बैठें, कैसे हम सुने, अभी कैसे सब साइलेंट बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, तो ये वेल मैनर्स हैं। तो जीवन में सब जो सिखाया जाता है हमको, टीचिंग्स अबाउट द लाइफ, जिंदगी के बारे में, आज हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में आते हैं तो उस पढ़ाई का कुछ फ़ायदा है। हम आगे जब पढ़ाई करेंगे, जाएंगे कॉलेजेस में, फिर कल को कहीं प्रोफेशनल पढ़ाई करने के बाद नौकरी करेंगे, तो ये जीवन का पूरा एक साइकिल है, खेल है, जिसको कि हमको समझना है। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स हमारे को सुबह स्कूल के लिए भेजते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कहीं कमाई करते हैं और हमारे लिए खर्च करते हैं, तो क्या हम स्कूल में आकर टीचर्स के पास जब पढ़ाई होती है उस पर अटेंशन देते हैं, क्लास में हम ध्यान देते हैं जो हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर हम उस पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमारे को आगे जीवन में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी।
अच्छे मार्क्स आएंगे आगे और हमारे को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। तो ये स्कूल में पढ़ाई का पूरा है सिस्टम, हमें समझना है कि पढ़ाई करनी क्यों है। पढ़ाई के अंदर हम अगर नहीं अच्छी तरह कर रहे अपना कोई होमवर्क है क्लास वर्क है तो कहीं ना कहीं हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अच्छे हमें बनना है, गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर, गुड सिटीजन, तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा इस पढ़ाई के ऊपर। हम दे रहे हैं, अगर हम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो क्या हमारा रिजल्ट अच्छा आया? जो पिछला हमारा पढ़ाई था, एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट अच्छा था, कितने परसेंटेज आए थे? अगर परसेंटेज पूरा नहीं आया, अच्छा नहीं आया, 90s में नहीं आया, तो कहीं पढ़ाई की कमी रह गई? हमने या तो क्लास में जो पढ़ाई कराई जाती है उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर हमने उसको घर में जाकर होमवर्क सही नहीं किया। अच्छी तरह जब हम ध्यान नहीं देते तो पढ़ाई का फल नहीं मिलता। अगर अच्छा ध्यान देंगे तो पढ़ाई पर फल मिलेगा। यानी पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं किया, मोबाइल है, टीवी है, या इधर उधर ध्यान दिया, तो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं बनेगा। तो ये पढ़ाई जब हम अच्छी नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर कर आप लोगों को स्कूल में भेजते हैं, आपका इतना ध्यान देते हैं, स्कूल में टीचर्स आप पर इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो वो भी खुश नहीं होंगे। तो पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान देना है हमको। ये जिसने हमको भेजा इस संसार में, जिसको हम क्या कहते हैं, परमात्मा, ईश्वर, द गॉड, हमारे को किसने बनाया है? भगवान ने। तो जिसने हमें बनाया है वो हमसे कुछ चाह रहा है। क्या चाह रहा है? कि हम जो है अच्छी तरह पढ़ाई करें, फिर हम आगे अच्छा जीवन जिएं। अच्छा जीवन यानी कहीं पर आगे चलकर अच्छी हमारी पढ़ाई करने के बाद अच्छा जॉब मिले, जॉब मिलने के बाद हम अच्छा जोन से अपनी प्रोग्रेस करें। तो तभी जो है जीवन का ये सारा खेल हमें समझ आएगा। क्योंकि अभी हम देखो शुरुआत है, स्कूल्स में हैं। अगर यहीं से हमारी शुरुआत, फाउंडेशन अच्छी होगी तो हमारे जीवन में आगे अच्छा अच्छा होता जाएगा। होता है ना, जब पौधे को माली सींचता है तो वो आगे चलकर हरा भरा होता है, उसमें फल मीठे आते हैं। तो अभी आपको जब समझ आ जाएगी कि समय पर हमको पढ़ाई करनी है, अच्छी तरह पढ़ाई करनी है, टीचर क्या कह रहे हैं क्लास में उसमें अटेंशन देना है, फिर उसको अच्छी तरह से समझ कर उसको कहीं राइटिंग प्रैक्टिस करना है, घर में जाकर उसकी पढ़ाई का फिर रिवीजन करना है, फिर वीकेंड में जब आएगा, संडे आता है, छुट्टी होती है जब भी, तो उसमें रिवाइज करना है पूरे वीक में क्या पढ़ा है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो फिर एग्जाम्स जब होंगे तो माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा कि अरे मैं क्या करूं, मेरे तो सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए हमारे को जो सामने टास्क है उसको पूरा करना है। पढ़ाई जो है आज हमारा टास्क है, हमारे को जो आज क्या है, हमारा जॉब कोई ऑफिस में नहीं जाना है, कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं जाना है, हमारे को कुछ कमाई नहीं करनी है। हमारा क्या टास्क है, हमारा क्या है आज जॉब, कि हमको पढ़ाई करनी है ताकि पढ़ लिख कर हम आगे कहीं समाज में अच्छी कोई पोस्ट पर जाएं, एक अच्छे नागरिक बने, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। अगर हम आज पढ़ाई सही नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर ध्यान रहेगा सारा समय, खेलने में ध्यान रहेगा, मोबाइल पर ध्यान रहेगा, टीवी पर ध्यान रहेगा, तो क्या होगा? अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम आएंगे, फिर आगे अच्छा आगे कॉलेज का एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं अच्छा होगा तो प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी,
फिर हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे। पर इस सारी परेशानियों का कारण क्या होगा कि समय पर जो हमें करना था वो हमने नहीं किया, हमने जो समय पर करना था वो हमने नहीं किया। तो समय पर करना है। आज जब तुम्हारे पास जो समय मिला है उस पर समय से हम करें कि आज जो भी हमारा क्लास में पढ़ाई होती है उसको अच्छी तरह समझें, घर में जाकर आज का रिवीजन करें। माँ बाप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं, तो हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। स्कूल में टीचर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी पढ़ाई हम करें और अच्छे मार्क्स लाएं ताकि स्कूल का भी नाम जो है रोशन हो। परंतु हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, चिंता होगी, एग्ज़ाम्स के टाइम पर प्रेशर बिल्टअप होगा, प्रेशर बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ नहीं रहेगी, खुशियाँ नहीं रहेंगी तो ना आसपास किसी को अच्छा लगेगा ना घर में किसी को अच्छा लगेगा। तो यही है कि हमें समझना है इस चीज़ को। हम अगर समझेंगे कि हमें समय से पढ़ाई करनी है, फिर अपने शरीर का भी ध्यान देना है, हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि यही समय है अपनी बॉडी का भी ध्यान देने का। अच्छा खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, सलाद है, फ्रूट है, अच्छी तरह पानी वगैरह अच्छी पिएंगे तो बॉडी की हेल्थ बनेगी। शरीर अच्छा होगा तो अच्छा हम पढ़ेंगे भी। अगर टाइम से सब हो रहा है तो सब खुश होंगे, स्कूल में टीचर्स खुश होंगे कि बच्चे हमारे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, घर में पेरेंट्स खुश होंगे कि हमारे बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं और शरीर का ध्यान दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, समाज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो समाज में भी खुशियाँ फैलेंगी, क्योंकि आपका रिलैक्स बना हुआ होगा। अगर आप टाइम से कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चिंता आएगी, एंजाइटी, टेंशन्स आएंगी, डिस्टर्बेंसेज आएंगी, और उससे क्या होगा, माहौल जहाँ भी होगे आप वहाँ पर चारों तरफ कहीं परेशानी का माहौल बनेगा। चाहे आप घर में हैं, चाहे आप किसी दोस्तों के बीच में हैं, माहौल अच्छा नहीं रहेगा। देखते हो ना आज कितने बच्चे हैं बाहर जो डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या क्या कोई ड्रिंक्स लेते हैं जाकर बाहर, कितना कुछ लेते हैं आगे बाहर जो है, देखते हैं कि कितना कुछ बुरा बुरा जो है एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। तो हम अच्छी जो है परवरिश से अपने को आगे बढ़ाएं, यही हमारे को बनाने वाला जो परमात्मा है, भगवान जी हैं, हमसे चाहते हैं। जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी आँख दी, हाथ दिए, पैर दिए, मुंह दिया, उनने अच्छा अच्छा शरीर इसलिए दिया कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी पढ़ाई सीखें, अच्छा अच्छा अपना जीवन व्यतीत करें, खुश रहें। सबसे बड़ी चीज़ जो ईश्वर चाहता है, गॉड चाहता है कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें, कभी भी दुखी नहीं हों। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। माँ बाप से हमने कुछ मांगा, मान लो मोबाइल दे दो, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें दुखी नहीं होना है। माँ बाप अपने अनुभव से जीवन में कहीं देखते हैं कि बच्चों को भी किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं मिला तो डिस्टर्ब नहीं होना है। कभी कभी माँ बाप की अपनी जो सी है फाइनेंशियल परिस्थितियाँ होती हैं, वो नहीं लेकर दे पाते आपको कुछ, तो हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि माँ बाप भगवान का रूप है। माँ जन्म देती है, भगवान जो है माँ के द्वारा जन्म देता है, पिता भगवान के द्वारा आपका पालन पोषण करता है। तो दोनों को सम्मान करना जरूरी है, और यही हमारे को स्कूल में टीचर सिखा रहे हैं कि हमारे को सम्मान करना है, झगड़ना नहीं है उनसे कि आप मेरे लिए ऐसा नहीं करते, उसकी मम्मी देखो मेरे दोस्त की ऐसे करती है, उसका पापा देखो ऐसे करता है, झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि सब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही कर देना चाहते हैं, बुरा कोई करना नहीं चाहता। तो वी हैव टू लव अवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप को प्रेम करना है, यानी सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि जब हम शिकायत करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं हम दुखी करते हैं अपने को, करते हैं कि दुखी, घर में नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। और वो अपसेट जब होते हैं तो भगवान जो ईश्वर जिसने हमको बनाया वो खुश नहीं होता। तो कभी भी घर में झगड़ा नहीं करना है,
अगर मान लो कुछ मना किया, कभी आज नहीं है, कुछ अभी नहीं है, बड़े हो जाओगे कुछ मिलेगा, कॉलेज जाओगे मिलेगा, तो हमको उस चीज़ को अपने अंदर कहीं पर भी द्वेष नहीं लाना है, घृणा नहीं लानी है, नफरत नहीं लानी है, तभी जो है भगवान खुश होते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो ये जो जन्म मिला है इसका कारण है, भगवान ने हमें बनाया है खुशी देने के लिए। देखा ना, अभी आपने स्कूल में अगर थ्योरी पढ़ेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि कभी जो सा है हम पहले जानवर रहे, उससे इवोल्यूशन हुआ हमारा, हम इंसान बने, 99% डीएनए हमारा उन जानवरों से मिलता है, यानी इंटरनल सॉफ्टवेयर। तो क्यों हम इंसान, हम जानवरों से ऊंचे हैं, पंछियों से, कीड़े मकोड़ों से ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि हमें परमात्मा ने अलग अलग रस दिए हैं, स्वाद दिए हैं, हमारी जीभ अलग अलग स्वाद लेती है, हमें अलग अलग रंग रूप दिखते हैं। देखो जानवर एक ही तरह का जो है खा रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कि अलग अलग मल्टी कलर कपड़े पहने, घरों के अंदर रहें, गाड़ियों में घूमें, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करें, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम इंसान जो है इन द बॉडीज, इन द बॉडी यानी शरीरों में सबसे उच्च कोटि के हैं जीव, लिविंग बीइंग्स, द टॉप ऑफ द क्रिएशन। भगवान ने हमें सबसे ऊंचा बनाया है, इसलिए हमारे जैसे शरीरों के अंदर ही कोई संसार में भगवता को पाकर भगवान हो गए, भक्त हो गए, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीजस, कोई मोहम्मद, कोई कबीर, कोई फरीद, कोई गुरु नानक देव, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लौज्जू, सुकरात, ये हमारे जैसे संसार में जन्म लिए और आज भगवान हो गए, भक्त हो गए, इनको पूज रहा है संसार। तो आप में से ही कोई कल को भगवता को पा सकता है, पर भगवता को यानी भगवान को पाने के लिए सूत्र क्या है, अपने को कभी भी दुखी नहीं करना है, अपने को कभी भी अशांत नहीं करना है, सबको प्यार करना है, आपस में लड़ना नहीं है, घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, माँ बाप का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है, समय पर सब चीजें करनी है, अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब हम ये करते हैं तो हम भगवता को, भगवान को पा लेते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन में वो प्रकट हो जाते हैं, और इस जन्म के आगे फिर हमारी वो सफलता होती है, नेक्स्ट इवोल्यूशन हो जाता है कि हम भगवता को पाकर इस संसार से अपने गॉड होम घर चले जाते हैं, जिसको पार ब्रह्म सच खंड कहा। तो ये आपके ऊपर है कि अभी जो है आप अपने जीवन को कैसा चला रहे हैं। अभी से अपने जीवन को सही आप सींचेंगे, अभी से अपने जीवन को आप रिलैक्स में लेकर जाओगे, समय पर सब करोगे, मोबाइल का स्पेस रखोगे, टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ पढ़ाई का कौन सा समय है, बीच में गैप जो आता है मोबाइल का कौन सा टाइम है, तो फिर आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। अगर आप कहेंगे सारा दिन मोबाइल देखते रहें, टीवी देखते रहें, तो पढ़ाई तो होगी नहीं, पढ़ाई होगी नहीं। अगर पूरे दिन की पढ़ाई स्कूल में किया हुआ, घर में होमवर्क नहीं हुआ, रिवीजन वीक में नहीं हुआ, तो आखिरी में टेंशन में आएंगे, एग्जाम के टाइम प्रेशर बढ़ेगा। फिर देखते हो ना कितने बाहर जो है बच्चे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और फिर ना जाने कितनी चिंताएं करते हैं। फिर बाहर देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पर इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सुसाइड जैसी चीज़ सोच लेते हैं, आत्महत्या, जो इतना बड़ा संसार के अंदर कहते हैं जुल्म है, क्योंकि परमात्मा का बनाया ये इतना अच्छा शरीर है, इस शरीर की इतनी वैल्यू है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुनिया की सारी दौलत, सारा पैसा देने के बाद भी जिंदगी एक मिनट की नहीं मिलती, 1 मिनट। तो कितना कीमती शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट भगवान का बनाया हुआ है, जिसका हमने कोई चुकाया नहीं कुछ भी, कि हमने इसके कोई पैसे भरे हैं किसी को, तो अगर इसका कुछ हमने पैसा नहीं भरा तो ये इतना कीमती शरीर अगर जो सा है कभी हम सोच भी लेते हैं एक बार कि मार देते हैं, तो फिर उसकी सजाएं मिलती हैं। सजाएं क्या है? वही जो 99% डीएनए हमसे मैच करता है। हम अपने ही घर के बाहर पता लगा जानवर बन के खड़े हो गए, हम अपने ही घर की ग्रिल के ऊपर कौआ बनकर बैठ गए आकर। तो ये जीवन के अंदर कब होता है? जब हम गलत स्टेप लेते हैं।
तो इसलिए सारी चिंताएं शुरू होती हैं थोड़ी सी चिंता से। इसलिए टाइम से पढ़ाई नहीं की, सिर में प्रेशर बन गया, एंजाइटी आ गई, फिर देखो आज कोई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आगे चलकर सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो इसलिए अपने को अभी से अच्छी तरह जो है अटेंशन में लाओ। जब क्लास में है तो पढ़ाई पर फोकस करो, टीचर क्या सुना रहे हैं क्या बोल रहे हैं उस पर अटेंशन दो, फिर उसके बाद उसको समझो, नहीं समझ आती तो पूछो, डोंट हेजिटेट टू आस्क, फिर घर में जाकर उसका रिवीजन करो। समय से सब चीज़ें होंगी, रात को समय से सोओगे, अगले दिन पढ़ाई के लिए टाइम से सुबह उठोगे, स्कूल टाइम से आओगे, फ्रेश रहोगे, खाना अच्छा करोगे, दिन में जैसे ज़रूरतें जो होती हैं शरीर के लिए वो सब टाइम से करोगे, तो अपने आप जीवन में मौज आएगी। और अगर अभी अच्छे हो गए तो आगे अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सब किसकी हैं, किसने कहा, जिसने हमको बनाया, वो हमसे कुछ इच्छा करके बनाया। अगर आज कुछ संसार में बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। मोबाइल बनाया कुछ कारण है, माइक बनाया कुछ कारण है, पानी की बोतल बनाई कुछ कारण है, इस शरीर को बनाया कुछ कारण है। जिसने बनाया इतना इम्पोर्टेंट बॉडी, जिसने इतना जो है इनवैल्यूएबल बॉडी बनाया, वो आपसे कुछ चाहता है, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो उन्होंने क्या चाहा है कि इस शरीर को मैंने बनाया, आपको हर समय खुश रहना है, रिलैक्स में रहना है, मौज में रहना है, क्योंकि आपको सबसे उच्च कोटि का जीव बनाया। जानवर को क्या मौज है, बाहर रहता है, पंछी कीड़े मकोड़ों को क्या मौज है, पेड़ पहाड़ों को क्या मौज है, बाहर है सब। हमको देखो अंदर घर में कितना कुछ मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छे अच्छे घूमते हैं, अच्छा अच्छा बातचीत करते हैं, सवाद लेते हैं। तो हमारे को ईश्वर ने सब कुछ अच्छा अच्छा दिया, तो हमें भी चाहिए कि हम उस भगवान को कहीं पर भी किसी भी तरह से नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर हमसे चाहता है हर पल रिलैक्स में रहो। क्या चाहता है, हर पल रिलैक्स में रहो, खुश रहो, सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है और कुछ नहीं चाहता, हर पल रिलैक्स में रहो, खुश रहो। और फिर जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, दिल लगा कर करो। आज जैसे पढ़ाई कर रहे हो, दिल लगा कर पढ़ाई करो, खेलो भी टाइम से। तो जीवन में जब हमारे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये जीवन जो मिला है ये किस लिए मिला है, जहाँ भी जिधर हैं उसमें हम फिट हो जाएं, तो फिर आगे जिंदगी जो इतनी लंबी पड़ी है, अभी तो क्या उम्र है, हम 16 साल 15 साल 12 साल 18 साल, आगे यही उम्र बढ़ती जाएगी, तो आखिरी तक तुम रिलैक्स में रहोगे, मौज में रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो हमसे कुछ चाहता है, वो हमसे चाहता है कि हम खुश रहें, तो वो खुश होता है, वो खुश होगा, माँ बाप खुश होंगे, टीचर्स खुश होंगे, समाज खुश होगा, देश खुश होगा, दुनिया खुश होगी आपको देखकर, फिर लोग बदलेंगे। अगर आप मौज में हो, आप खुश हो, तो दुनिया भी मौज और खुश की ओर बढ़ेगी। देखा ना, इसमें लिखा है ना, देखा होगा आपने, मिशन 800 करोड़। अब मेरे को खुशी मिली, 16 साल पहले मैं भी ऐसे ही दुखी रहता था, 16 साल पहले मुझे खुशी मिली, मैं समझ गया भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, मैं वो खुशी देने के लिए दुनिया की तरफ भागा। और आज मैंने इसे मिशन 800 करोड़ रख दिया। 16 साल तक पहले मैंने एक एक पर ट्रायल किया, बच्चों पर, जवानों पर, बुजुर्गों पर, सब पर ट्रायल किया, सब खुश हैं, हजारों लोग नहीं, आज लाख 1 लाख तक लोग मेरे से जुड़ गए, सब खुश हैं। अब जाकर मैंने 3 महीने पहले इसको संसार की तरफ डाल दिया, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब पर, कि 800 करोड़ यानी इस धरती पर हर इंसान को, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, सबको इस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि कोई अपनी जिंदगी के बारे में जानता नहीं है और दुखी है। दुखी है तो भगवान दुखी होता है कि मैंने तुझे इंसान बनाया है, जानवर थोड़ी बनाया है जो तू दुखी है, जानवर दुखी है बाहर है ना, पंछी दुखी है इंसान तू, तू दुखी कैसे हो सकता है। तो अगर हम अभी से ये समझ जाएंगे तो देखो आप घर में 80 साल की दादी भी दुखी पड़े है, 60 साल की माँ भी दुखी है, पिता भी दुखी है, तो ये ज्ञान जब मिलता है तो खुशियाँ आती हैं।
तो माता पिता से आपको इतना कुछ मिलता है, आप भी माता पिता को जाकर कह सकते हो कि आप सुनो, आज हमारे को एक अच्छी सी चीज़ कोई मास्टर जी आए थे बताई। आप पे मोबाइल नहीं है, आप जाकर जब उनके साथ सुनेंगे तो आपके और मम्मी पापा के बीच के रिलेशंस भी, जो आपस में प्रेशर आता है, वो भी ख़त्म होगा, तो खुशियाँ आएंगी। तो मेरे ख्याल थोड़ा मैं आपको समझ आ गया होगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा ये जो आपको इंट्रोडक्शन दी है जीवन का कुछ ज्ञान, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है जीवन की, अगर ये बात समझ में आ गई तो ज़िंदगी में कहीं पर भी दुखी नहीं होगे, अशांत नहीं होगे। जो गलतियां होती हैं उनको दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए यहाँ ध्यान करोगे, टाइम से सब कुछ करोगे। ये नहीं कि पढ़ाई का टाइम मोबाइल में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, फिर एग्ज़ाम्स आते हैं, प्रेशर बन गया। तो मालूम होगा कि जो चीज़ें हैं समय पर सब करनी है। खेलने के टाइम खेलना है, मोबाइल के टाइम मोबाइल है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई है, और हर एक का सम्मान, सबको प्यार करना है, आपस में नफरत नहीं करनी। और ये जब अंदर समझ आ जाता है तो फिर जब हम खुश होते हैं तो परमात्मा जिसने हमें बनाया वो भी खुश होता है। और जीवन का यही आधार समझ आने के बाद हमारी यात्रा, यानी टिल द लास्ट, जो हमारी उम्र जो भी होगी, 70 साल 80 साल, जहाँ पर आज हम घरों में देखते हैं दुखी हैं सब, आप कभी दुखी नहीं होगे, हमेशा मौज में रहोगे। लिखा ना, हैप्पीनेस गारंटेड, कि जीवन का ज्ञान मिल गया तो हैप्पीनेस गारंटेड रहती है, दुख नहीं आएगा। इसलिए सुनना है आपको, समझना है जीवन को, और हर पल मुस्कुराते रहना है, तभी ये जन्म परमात्मा का दिया हुआ खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा, दुनिया खुशहाल होगी, और सबसे ऊंचा बनाने वाला भगवान भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। समझे? ओम।